साल 2000 में शार्प ने पहला कैमरे वाला फोन लॉन्च किया, जहां पर केवल दिया 0.35 मेगापिक्सल का सेंसर। अब आप समझ ही सकते होंगे कि यार पहले कैसी फोटो आती थी। और आज की डेट में रियलमी की तरफ से आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरे वाला फोन मिलने वाला है। और शाओमी ने तो यहां तक कह दिया है कि बहुत ही जल्दी 100 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन आएगा। मतलब अब की बार जो सब्जी मंडी लगेगी ना, यहां पर सब लोग यही कहेंगे कि यार 64 मेगापिक्सल वाला फोन ले लो, 100 मेगापिक्सल वाला फोन ले लो, और मन करे तो 48 मेगापिक्सल वाला फोन ले लो। और धीरे धीरे करके जो कैमरा है ना, वो और भी ज्यादा इनहेंस हो रहा है, और भी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की। रियलमी की तरफ से 3 फोन लॉन्च होने वाले हैं। कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं, इनका क्या प्राइस होने वाला है, यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है, और ये फोन इंडिया में कब दस्तक देंगे, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 3 फोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। एक हो सकता है रियलमी का 5, दूसरा हो सकता है रियलमी का 5 प्रो, और तीसरा हो सकता है रियलमी का एक्स प्रो। क्योंकि रियलमी का जो एक्स है ना, ये इंडिया में बहुत अच्छे से चल रहा है, और जो सबसे अच्छा फोन होने वाला है वो मेरे हिसाब से रियलमी का एक्स प्रो होने वाला है। यहां पर आपको तीनों ही फोन में 4 कैमरे मिलेंगे, मतलब क्वाड कैमरा तो भैया इन सब में मिलेगा। बस ये हो सकता है कहीं पर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर ना मिले, मतलब इन दो फोन में, या तो 5 प्रो में या तो एक्स प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल सकता है। यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल सकता है, साथ में आपको एक सुपर वाइड एंगल वाला लेंस मिल जाएगा, और उसके साथ साथ सुपर माइक्रो भी आपको मिलेगा। मतलब यहां पर आपकी जो फोटो होगी वो और भी कमाल की आ जाएगी। चाहे आप माइक्रो शॉट्स ले लें, चाहे आप 64 मेगापिक्सल से फोटो ले लें, जब आप फोटो को जूम करेंगे ना, तो भाई जो इसकी फोटो की क्वालिटी होगी ना, वो फटेगी नहीं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब इस बार आपको 64 मेगापिक्सल का तड़का मिल सकता है, लेकिन हो सकता है ये आपको एक्स प्रो में मिल जाए, और यहां पर आपको नाइट मोड भी मिल जाएगा, जहां पर आपकी रात की फोटो और भी अच्छी आ जाएगी। एक यहां पर आपको ऐसा मोड मिलेगा जहां पर आप 64 मेगापिक्सल वाली फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यार आप यदि बार बार 64 ही मेगापिक्सल की फोटो क्लिक करेंगे ना, जो आपकी फोन की मेमोरी होगी वो फुल हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहां पर एक मोड होगा जहां पर आप माइक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, मतलब यहां से आप माइक्रो शॉट्स भी अलग से ले सकते हैं, और यहां पर आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, EIS भी आपको मिल जाएगा। मतलब इस फोन की जो सबसे अच्छी जान होगी वो इस फोन का कैमरा होगा। चलिए कैमरे की बातें तो बहुत कर ली, अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। वैसे मेरे हिसाब से जो Realme का 5 आएगा ना, यहां पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल सकता है, जैसे पहले आपको Realme 3 Pro में मिलता है, Realme 2 Pro में मिलता है। बट जो X Pro आएगा ना, यहां पर आपको पॉपअप कैमरा मिल सकता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल सकती है, और यही चीजें आपको मिल सकती है 5 Pro में। मतलब एक फोन में आपको नॉच भी मिल सकता है, और भैया जिनका बड़ा वाला फोन होगा यहां पर आपको पॉपअप कैमरा मिल जाएगा। आपको इन फोनों में सुपर एमोलेड पैनल मिल सकता है, और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, क्योंकि यार आजकल सब लोगों की यही नीड है कि यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना चाहिए। मतलब इस फोन में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, और साथ में आपको गुल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। पीछे की तरफ भी यार फिनिश बड़ा कमाल का होगा, और आजकल धीरे धीरे करके हर एक कंपनी अच्छे अच्छे डिजाइन के फोन बनाती है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, और मेरे हिसाब से इन सारे फोन में आपको कम से कम 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, और साथ में आपको वूक चार्जर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी बॉक्स के अंदर, आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा। 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलेगा, और साथ में ये भी हो सकता है कि यार इस बार आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाए। प्लीज यार रियलमी वालों, यार हाइब्रिड मत देना, यदि आपने डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन दे दिया ना इंडिया के लिए, तो भाई और भी ज्यादा मजा आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, और आपको ये जरूर पता होगा कि यार रियलमी एक नए OS में काम कर रहा है, तो यार मेरे हिसाब से आपको ये जो नया OS आने वाला है इसी फोन में मिल सकता है, या तो आपको Realme के 5 में मिलेगा, 5 Pro में मिल सकता है, और साथ में X Pro में मिल सकता है। मतलब आपको बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, और आज की डेट में यार हम तो दिन भर अपने फोन से चिपके रहते हैं। मेरे हिसाब से जो X Pro हो सकता है, यहां पर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 730, क्योंकि यार इस फोन को टक्कर देनी है Redmi के K20 को,
और K20 में यही परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है, तो यार यहां पर आपको ये प्रोसेसर मिल सकता है। और जो 5 होगा और 5 प्रो होगा, यहां पर आपको अलग से कोई प्रोसेसर मिल सकता है। और कहीं इन्होंने मीडियाटेक का हीलियो P70 किसी फोन में दे दिया, तब तो यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन यार इनको अपने फोन को भी सेव करना है। अभी Realme X इंडिया में चल रहा है 17,000 रुपए का। यदि इन्होंने कहीं इधर उधर कर दिया ना, तो इनका जो पुराना वाला फोन है वो मर जाएगा। तो यार मेरे हिसाब से मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल सकता है। और साथ में X Pro में आपको मैंने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं यार यहां पर प्राइस क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से जो Realme X Pro आएगा, इस फोन का प्राइस हो सकता है 20-22 हजार के आसपास। क्योंकि यार इनकी जो सामने से टक्कर होगी वो होगी Redmi के K20 से, तो यार इस फोन का प्राइस इतना हो सकता है। और जो Realme का 5 आ सकता है, ये कहीं आ सकता है 15-16 हजार के आसपास। और जो 5 Pro आ सकता है, ये आ सकता है 18-19 हजार के आसपास। मतलब ये तीनों फोन बहुत ही गमाल के आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी इंडिया में दस्तक भी देने वाले हैं। मेरे हिसाब से दिवाली के आसपास ये फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। और Redmi की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फोन इसी के आसपास दिख जाएगा, चाहे वो 64 मेगापिक्सल वाला फोन हो, चाहे वो 100 मेगापिक्सल वाला फोन हो। मतलब भाई चाहे जितने मेगापिक्सल वाला फोन हो, सही प्राइस में आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए और हम सबको पसंद भी आना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये जो 3 डिवाइस आने वाले हैं, यहां पर क्या कुछ मिल सकता है और इन फोनों का क्या प्राइस हो सकता है, और आपको कौन सा फोन लेने का सबसे ज्यादा विचार है? जो कुछ आप सोचते हैं और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो ना, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।